वेरी गुड, खुल जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी हैव स्टार्टेड विद मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में वी नाउ इन द सिलेबस देयर इज ओनली रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी, और रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी में हमने पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कर लिए थे। सो वी आर डूइंग अबाउट, ध्यान से मेरी बात देखनी है, जो अभी फिलहाल आपकी बुक में नहीं मिलेगी, बट सीड और फ्रूट जब तक हम वो साइकिल लाइफ साइकिल नहीं बताएंगे तब तक सीड और फ्रूट कैसे बनते हैं ये हमें पता नहीं चलता, तो ये ध्यान से देखना। तो पहले ध्यान से आपने देखना है और फिर लिखना है। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्लावर है यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। ठीक, तो दिस इज कार्पल एंड दिस इज स्टेमन। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, हियर पोलन या पोलन मदर सेल्स, या हम क्या देखते हैं यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, बहुत सारे होते हैं। ध्यान से पहले पूरी कॉन्सेंट्रेशन इधर, दीज आर टू एंड डिप्लॉयड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनमें हुई मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या बने, माइक्रोस्पोर्स, दे विल बी एन हैप्लोइड। माइक्रोस्पोर एक सिंगल सेल था, इसकी क्या हुई डेवलपमेंट, इसने क्या बनाया पोलन ग्रेन बनाया। पोलन ग्रेन कैसा बना, ये दो सेल्स है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, दिस वन इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल। ठीक है जी, इसमें इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्पल में, कार्पल में ये ओव्यूल प्रेजेंट है, दिस इज ओव्यूल, या इसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। एक हम ओव्यूल बनाते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल है ये, आपने ये बनाया हुआ है, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स, ये इसकी स्टॉक है, फ्यूनिकुलस ये ओपन एंड है, माइक्रोपाइल, और ये इसके ऑपोजिट चलाजा। इसके अंदर ये सारा टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस।
Vistara. This is whole micellar. One cell of the micellar, it becomes enlarged. Let us say ये हमने एक बड़ा cell बन गया. एक ही cell. One cell gets enlarged, and this cell is called as megaspore, mother cell. One megaspore, mother cell. यहाँ पे थे many microspore, mother cell. इसमें क्या हुई मियोसिस एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, मैं एक ही दिखा रही हूं आपको, फॉर्मेशन ऑफ फोर मेगास्पोर. ये चार जो है दीज आर हैप्लोइड मेगास्पोर्स. जो माइक्रोपाइल वाली साइड तीन है वो ये तीन डीजेनरेट कर जाते हैं. ये तीन डीजेनरेट किए. दिस इज फंक्शनल. दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर. ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है बेटा, इट फीड्स ऑन म्यूसेलस एंड डेवलप्स. ये सब जो थे ये टू एंड थे बेटा. ये भी फ्यूनिकुलस भी इंटेग्यूमेंट्स भी. ये जो सारा म्यूसेलस है, दिस इज म्यूसेलस, ये भी टू एंड था. बट जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो ये चार हैप्लोइड मेगास्पोर बने. इट फीड्स ऑन म्यूसेलस एंड डेवलप. तो किसमें डेवलप हुआ ये देखो जरा. इसने सारा जो ये मेगास्पोर था, इसने सारा म्यूसेलस खा लिया. और ये देखिए, ये डेवलप हो गया. पहले ये सिंगल सेल था, अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन सेल्स बने, पर सभी के सभी हैप्लोइड सेल्स बने. और ये क्या है, दिस इज सेवन सेल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. ये माइक्रोस्पोर ने बनाया था पोलन ग्रेन, मेगास्पोर ने क्या बना दिया एम्ब्रियो सैक. ठीक है, इसकी हुई पॉलिनेशन, ये लिब्रेट हो गया. कहां पे पहुंचा, लेट अस से मैं आपको यहां पे एक ही ओव्यूल दिखाऊंगी.
और यहाँ पे इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। ये पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करके यहाँ पे पहुंचा और जर्मिनेट करके इसने पोलन ट्यूब बनाई। यहाँ पे जेनरेटिव सेल ने, आप अभी सिर्फ ये देखो कि एक सेल ने दो मेन गैमेट्स बना दिए। ठीक है, मैं थोड़ी सी इस साइड जगह कम है, मैं इधर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब ये जो ओव्यूल है, इसमें बेटा बाकी सभी सेल्स डीजनरेट कर गए, सिर्फ क्या बचा यहां पे, एक एग बचा। दिस इज एग, और एक ये जिसमें दो न्यूक्लियस दिखाए थे, ये सेंट्रल सेल बचा। बाकी तीन यहां सेल्स, दो यहां सेल्स, वो सब डीजेनरेट कर पोलन ट्यूब यहां से आई, और उसने जो दो मेल गैमेट्स थे वो यहां निकाल दिए, तोड़ दिए। ये है मेल गैमेट्स। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पोलन ट्यूब। तो मैं तुम्हें बता देती हूं, तो जो एक गैमेट जब एग से फ्यूज हुआ तो बना जाइगोट, और ये गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज हुआ, सब इधर देखेंगे तो क्या बना, एंडोस्पर्म बना। ठीक है, स्क्रीन पे थोड़ा सा, ठीक है, पहले आप ये बनाओ ये वाला डायग्राम, इसके बाद बनाओ तो फिर मैं आगे बताती हूँ। फर्स्ट ड्रॉ दिस। फ्लावर में ये स्टेमन है, ये कार्पल है या पिस्टिल है। दिस इज स्टेमन, दिस इज पिस्टिल या कार्पल। बनाओ ये फटाफट से। तो ये देखिए, ये ओव्यूल है, सॉरी ये ओवरी है, ये ओवरी में ओव्यूल था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग और जाइगोट, एग और स्पर्म या मेल गैमेट फ्यूज करके क्या बना दिया, जाइगोट। और इधर सेंट्रल सेल और स्पर्म ने फ्यूज करके क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ने फॉर्म्स या डेवलप्स फॉर्म्स
nutritive tissue, endosperm. और जो zygote है उसने क्या बनाया, forms या develops into embryo. ठीक है, फिर अगर हम देखें दिस स्टिग्मा एंड स्टाइल, इट विदर्स ऑफ द ओवरी वॉल. ये जो ओवरी वॉल है इट बिकम्स थिक. ध्यान से पहले समझो, ओवरी वॉल जो है वो थिक हो गई, कुछ में फ्लैशी हो गई, कुछ में हार्ड हो गई, बट दिस इज ओवरी वॉल फॉर्म्स पेरिकार्प और फ्रूट. और जो इसके अंदर, ये बेटा ओव्यूल था, ये ओव्यूल जो था एक है या बहुत सारे हैं, इन्होंने जाइगोट ने क्या बना दिया, जाइगोट ने बेटा एम्ब्रियो बना दिया और एंडोस्पर्म को खा लिया. डेवलप करते करते इसने एंडोस्पर्म को खा लिया. ठीक है, और ये क्या है, दिस इज एम्ब्रियो एंड दिस ओव्यूल विद एम्ब्रियो, या हम कहेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फॉर्म सीड. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ने क्या बना लिया, सीड बना लिया. सो व्हाट इज सीड, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. जबकि व्हाट इज फ्रूट, इट इज राइप ओवरी वॉल. राइप ovary wall forms pericarp or fruit. Is it okay? ठीक है, so seed, seed में क्या present है, seed has embryo, उसके बाद seed has seed coats and has reserve fruit. सीड के पास ये तीन चीजें होती है, सीड हैज एम्ब्रियो, सीड कोर एंड रिजर्व फूड. ठीक है, तो मुझे बताओ ये पहले बनाओ आप सारे. चलें जी, सो राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस. Name the male and female gametophyte. Name the male and female gametophyte in angiosperm. Now bracket mein likh lo zara. Gametophyte is the structure which form gametes. Gametophyte is the structure which form gametes. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू
but is the nutritive tissue for the developing megaspore. For the developing megaspore. Next question hai. What is the nutritive tissue? Yeah, which is the nutritive tissue for the developing embryo? For the developing embryo. Next question hai. How many male gametes? How many male gametes are formed by one pollen grain? How many male gametes are formed by one pollen grain? Next question hai. How do male gametes reaches to the female gamete from the stigma of pistil? From the stigma of pistil. जब pollen grain stigma पे आ जाते हैं तो उसके बाद कैसे पहुंचते हैं? Next है, why do angiosperms are known to have double fertilization? Double, although मैंने बताया नहीं है, but ये tenth में आप करके आए हो, थोड़ा सा देखा भी है आपने यहाँ पर. Double fertilization. चलो करो. 5 minutes are there. Do it quickly. माइक्रोस्पोर्स. हाँ बिल्कुल ठीक है. इट इज माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर. और हम थोड़ा सा और आगे चले. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा और आगे चले तो हम इसको कहेंगे पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक. इज इट ओके? सो विच आर द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स? पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक या फिर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. गलत कोई भी नहीं होगा. ओके चलिए जी. शिवांशी क्वेश्चन नंबर टू. हाँ जी शिवांशी जल्दी से पहले मुझे क्वेश्चन भी बताओ. हाँ Mom, what is the nutrient tissue for the developing embryo? नहीं पहला तो मैंने बताया था. What is the nutritive tissue for the developing megaspore या embryo sac? कुछ ऐसा था है ना? पहला तो ये क्वेश्चन था ना? Yes, ma'am. आप बताओ कौन सा है? I don't know. सीरत आप बताओ बेटा. मैम न्यूसेलस. न्यूसेलस वेरी गुड. ठीक है फॉर द डेवलपिंग यू नो मेगास्पोर या एम्ब्रियो सैक द न्यूट्रिटिव टिश्यू इज न्यूसेलस क्योंकि वो न्यूसेलस को खाता है और बड़ा होता रहता है. ठीक है नेक्स्ट इज सरगम. आप बताओ बेटा कि व्हाट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो? मैम प्राइमरी एंडोस्पर्म. सिंपल एंडोस्पर्म. ठीक है ना? सो एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है जी. नेक्स्ट गुंजन आप बताओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं एक बार आंसर रिपीट कर दो. फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो द न्यूट्रिटिव टिश्यू इज एंडोस्पर्म. ठीक है जी गुंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे ख्याल से यही है. हाउ डू बाय वन पोलन ग्रेन हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड?
जल्दी से जोर से बोलो। मुझे सुन नहीं रहा, जल्दी से बताओ, जोर से बताओ ताकि मुझे पता चले। हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? अर्नव बता रहा है, शिवांशी, कोई बताओ। यस, एनीबडी। मैम फोर। फोर नहीं बेटा, टू मेल गैमीट्स। ठीक है, मैंने दिखाया था ना पोलन ट्यूब, एक पोलन की, ये पोलन ट्यूब है और यहाँ पे दो मेल गैमीट्स है। ठीक है, हमने क्या दिखाया कि एक पोलन ट्यूब में यहाँ देखे ना दो मेल गैमीट्स रिलीज हुए, सो वन पोलन ग्रेन फॉर्म्स टू मेल गैमीट्स। ठीक है जी, नाउ टेल मी हाउ द मेल गैमीट्स reaches to the female gamete from stigma. Yes, Sirat. Ma'am, it reaches through pollen tube. Very good, very good. It reaches through pollen tube. It's the pollen tube which carries the male gametes from stigma up to the, you know, female gamete. Okay, so answer is through pollen tube. Okay. Now, write down one more question. Define seed and fruit. आपके सामने लिखा भी हुआ है, बट फिर भी आप एक बार कर लो. Define seed and fruit. मैम वो last question था. Last एक और था. क्या था question बेटा? Yes, मैम वो why do angiosperms known to have double fertilization? Why? दोबारा से? Why the? यहाँ पे देखो, एक मेल गैमीट इससे फ्यूज कर रहा है और दूसरा मेल गैमेट एग से फ्यूज कर रहा है, तो डबल फर्टिलाइजेशन, टू एक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है। लिख लो, एंजियोस्पर्म्स आर सेट टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म्स आर सेट टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज दे शो टू एक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2x of fertilization. That is, vegetative fertilization and generative fertilization. Vegetative fertilization is male gamete sperm plus central cell equal to primary endosperm cell. This is vegetative fertilization. Generative fertilization is sperm plus egg forms zygote. That is generative fertilization. Angiosperms have two acts of fertilization, that is vegetative fertilization and generative fertilization. This is called as syngamy. This is called as triple fusion. क्योंकि तीन न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं.
ये स्पर्म है और ये अगर सेंट्रल सेल है, ये दो फ्यूज करते हैं, तीन न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे ये स्पर्म है, ये एग है, एंड डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन इन ट्रिलियम या इन फ्रिटिलेरिया पहले। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय नवाश्चिन इन फ्रिटिलेरिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे, मे आई रब इट, कर दो रब बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फ्रूट के बारे में। फ्रूट हमने कहा था, फ्रूट ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्प, इट इज राइप ओवरी। ध्यान से इधर देखो, कॉपी छोड़ दो। ये बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद राइप होती है, और कुछ प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन ना भी हो तब भी कुछ टाइम बाद ये खुद राइप होके थिक हो जाती है। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज फर्टिलाइज्ड फ्रूट या फर्टिलाइज्ड पेरिकार्प, और दूसरा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसमें है ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू फ्रूट, फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट, इवन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन कहां पे होगी, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, और वो ओव्यूल जिसमें एम्ब्रियो है उसको हम कह देते हैं सीड। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो दीज फॉर्म सीडलेस फ्रूट। एग्जाम्पल आ जाता है क्या, बनाना। नेचुरल पार्थिनोकार्पी इज फाउंड इन बनाना। यहाँ पे फ्रूट्स विद सीड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें टोमेटो, फॉर एग्जाम्पल लेमन, लेडी फिंगर, जितने मर्जी कह लो, दीज आर फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो है वो दो टाइप के हैं, फर्टिलाइज्ड फ्रूट्स या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स।
The fruits which develop without fertilization are parthenocarpic fruits. ठीक है, देखो जरा. उसके बाद एक और चीज सुन लो, फिर लिख लेना. Based on texture of pericarp, there are two type of fruits, fleshy fruits and dry fruits. Fleshy fruits and ड्राई फ्रूट. ड्राई फ्रूट ये नहीं जो हम खाते हैं, ड्राई फ्रूट बादाम और काजू और अखरोट, ये नहीं. क्योंकि अगर बादाम देखोगे ये तो हम सुखा देते हैं, अदरवाइज जो बादाम है उसका जो छिलका है, हरे बादाम अगर खाओ तो वो क्या है, वो तो फ्लेशी है ना, वो सॉफ्ट है, वो तो जब सूख जाता है तब हार्ड हो जाता है. अदरवाइज जब पेड़ से गिरते हैं बादाम तो हरे बादाम होते हैं, फ्लेशी उसकी फ्रूट बॉल होती है. ठीक है, फ्लेशी फ्रूट्स में क्या है ध्यान से देखो, यहां पे पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड, ध्यान से, डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री लेयर्स, दैट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. इसकी थ्री लेयर्स है, ठीक है. और दूसरा है पेरिकार्प और सब लेयर ऑफ पेरिकार्प इज फ्लेशी. देखो बेटा, जैसे मैंगो है, ध्यान से अब देखो, मैंगो का जो छिलका है वो है एपिकार्प. छिलका उतार दो, उसके बाद फ्लेशी सा, जूसी सा उसका जो भी हमारा पल्प मिलता है, दैट इज मेसोकार्प. उसके बाद अंदर से गुठली निकलती है ना, जो उसका हार्ड सा पार्ट है दैट इज एंडोकार्प. उसको आप तोड़ते हो तो बीच में से सीड निकलता है, इज इट राइट. इसी तरह कोकोनट है ना, कोकोनट की एक लेयर उतर के आती है बेटा एपिकार्प. जो आप ड्राई कोकोनट, जो कोकोनट पानी पी रहे हो वो नहीं, जो ड्राई कोकोनट है, जो आप फाइब्रस है, एपिकार्प उसका उतर के आता है लेदरी. उसके बाद है मेसोकार्प फाइब्रस, ठीक है. जो बाहर एपिकार्प था वो फ्लेशी था, वो निकल के आया. मेसोकार्प जिसको आप उतारते हो, खोलते हो, दैट इज फाइब्रस. उसके बाद फिर उसको तोड़ते हो कि नहीं, जो वो वुडी सा है दैट इज एंडोका. उसके बाद सीड जो है हम उसका खाते हैं. डू यू गेट मी? वाइट पोर्शन है सीड, वाइट पोर्शन जो है वो सीड है उसका, ठीक है. इसी तरह बनाना है, बनाना का एपिकार्प जो छिलका है उसका वो हम उतार देते हैं, और जो अंदर से हम खाते हैं दैट इज मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, वो दोनों है जो हम उसका खाते हैं, दैट इज फ्लेश. Is it right? और सीड्स उसमें होते नहीं है क्योंकि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है. Is it right? उसमें जो हम कहते हैं ना चित्री वाले केले, जो काले काले थोड़े से स्पॉट्स होते हैं, what is that? That are unfertilized ovules, जो फर्टिलाइज हुए ही नहीं, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स तो थे बट वो डीजेनरेट कर गए क्योंकि एम्ब्रियो तो बना ही नहीं, उसमें फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, ठीक है जी. इसी तरह से आप ऑरेंज लो, ऑरेंज में जो बाहर वाला छिलका हम उतारते हैं That is एपिकार्प. उसके बाद जो हेयर से उतारते हैं हम उसके, है ना, उसके ऊपर से उतारते हैं, जब हम बच्चे को खिलाते हैं तो ऊपर से हेयर उतारते हैं, दैट इज मेसोकार्प. उसके बाद उसकी फाड़ियों की हम थोड़ी सी वो फाइब्रस सी, मेम्ब्रेनस सी, वो भी उतार देते हैं जब बच्चे को खिलाना हो, दैट इज एंडोकार्प. और अंदर हम क्या खाते हैं, दैट इज प्लेसेंटल हेयर. प्लेसेंटा के ऊपर बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो जूसी है इसमें, वो हम खाते हैं, सीड्स हम फिर घेर देते हैं, ठीक है. तो प्लेसेंटल हेयर जो है वो हम खा रहे हैं, इज इट ओके, ठीक है. तो ये है, जबकि जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स जो में है
pericarp, undifferentiated. इसमें बस फ्रूट बॉल है, इसमें कोई मेसोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प ये नहीं है. और दूसरा जो पेरिकार्प है इज ड्राई. ठीक है, पेरिकार्प जो होता है उसका ड्राई है. तो जितनी दालें हैं, है ना, दालों में हम क्या खा रहे हैं, सीड्स खा रहे हैं, उसके ऊपर जो हस्क होती है वो तो हमने निकाल दी. ठीक है, व्हाट इज दैट, दैट इज पेरिकार्प. वो हमने निकाल दी है. ठीक है, वो ड्राई थी, वो निकल गई. सो ड्राई पेरिकार्प हमने रिमूव कर दिया और सीड्स हम जो है उसके खा रहे हैं, दाने जो है हम वो खा रहे हैं. इज इट ओके? ठीक है, चलो ये लिख लो पहले फटाफट. तो फ्लेशी फ्रूट्स में लिखा हम टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ फ्लेशी फ्रूट. फर्स्ट है ड्रूप या स्टोन फ्रूट्स. इसमें क्या है, इन दिस द एंडोकार्प, एंडोकार्प इज स्टोन. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एपिकार्प लेदरी फॉर्म्स स्किन. मेसोकार्प फ्लेशी एडिबल. एंडोकार्प स्टोन. अगर हम यहाँ पे सबसे बाहर लेदरी स्किन, उसके बाद ये सारा, दिस इज फ्लेशी मेसोकार्प, एंड हियर इट इज स्टोनी एंडोकार्प. और इसके अंदर जो है बेटा ये एंडोकार्प तोड़ोगे तो अंदर से आपको ये सफेद रंग की गुठली मिलेगी जिसको हम सीड कह रहे थे. गुठली तो ये पूरी है बट इसको तोड़ोगे तो अंदर सफेद सीड मिलेगा. सो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प एंड दिस इज सीड. ठीक है जी, इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है कोकोनट. एपिकार्प लेदरी पहले से ऊपर के आता है, मेसोकार्प फाइब्रस, एंडोकार्प स्टोनी. Seed with lot of endosperm is edible. तो हम क्या कहते हैं, सीड तो है बट उसमें ज्यादा जो खाने वाला पार्ट है वो क्या है, एंडोस्पर्म है, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है. अभी हम बताएंगे.
तो व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, सीड कह लो या एंडोस्पर्म कह लो? अनदर इज आलमंड, बादाम। इसमें भी जो एपिकार्प है, अगर हरे बादाम देखो आप तो एपिकार्प जो है वो लेदरी है जिसको उतार देते हैं। मीजोकार्प जो है वो यू नो दैट इज मतलब मीजोकार्प एंड एंडोकार्प इट इज हार्ड एंड स्टोनी। और जो सीड है इट इज एडिबल। जो बादाम का ब्राउन वाला पार्ट है जब हम भिगोते हैं तो वो छिलका उतार देते हैं, वो क्या है, वो सीड कोट्स है, और अंदर का हम खा लेते हैं, सीड कोट्स उतार देते हैं, एम्ब्रियो हम खा लेते हैं। सीड इज एडिबल, सो आलमंड इज ऑल्सो ए स्टोन फ्रूट। सो ड्रूप और स्टोन फ्रूट। एनदर आ जाइए बेटा, एनदर टाइप ऑफ फ्रूट इज बेरी। एनदर टाइप ऑफ फ्रूट इज berry. ठीक है, berry में लिखिए, berry में endocarp is either pulpy or papery. Endocarp is either pulpy or पेपरी, पी ए पी ई आर वाई, पेपरी। पल्पी एंडोकार्प इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स, टोमेटो, गुआवा एक्सेट्रा। Grapes, tomato, guava, comma, that is your banana, etc. Whereas papery, papery endocarp is present in date, khajoor jo hai. Khajooron mein mesocarp is edible. Mesocarp hum kha jate hai. और आप देखते हो कि उसकी गुठली के ऊपर एक मेम्ब्रेनस सा स्ट्रक्चर है, दैट इज एंडोकार्प, है ना? खजूर खाते हो ना, है ना? खजूरों में आपने खाया फिर आपके मुंह में कई बार छिलका सा आ जाता है, सो दैट इज एंडोकार्प। ठीक है, सो पेपरी एंडोकार्प इज प्रेजेंट इन डेट्स। अनदर थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट इज पोम। पोम जो है इट इज ए फॉल्स फ्रूट। इट्स पेरिकार्प इज नॉट एडिबल। वो फ्रूट जिसका पेरिकार्प खाया नहीं जाता, तो हम सेब में क्या खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो यहां पे क्या है, ओवरी वॉल इज फ्यूज्ड विद
thalamus. ये थैलेमस है, दिस इज थैलेमस, दिस इज ओवरी, और इसके साथ बहुत सारे जो है वो ओव्यूल्स अटैच है. अब क्या हुआ है, thalamus becomes fleshy. Thalamus becomes fleshy, और जो ये है ovary, ये बीच में जो कॉर्की सा टिश्यू है सिर्फ वहां रह जाता है. This is ovary with seeds and this is fleshy thalamus. That is edible. So it is a false proof. Ovary wall is fused with thalamus. Full stop karke, thalamus becomes fleshy and edible. Thalamus becomes fleshy and edible. The ovary forms the corky tissue in the center. Ovary forms the corky tissue in the center. So this is pome. So pome is a false fruit. Is it right? ठीक है, ये तीन टाइप के फ्रूट्स मैंने बताया, बस इतने ही, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैंने कॉमन से बता दिए ताकि आपको पता हो फॉल्स फ्रूट क्या है और ट्रू फ्रूट क्या है. ठीक है, तो अब आ जाइए, फिर दो डेफिनेशन आ जाइए, यूकार्प एंड स्यूडोकार्प. यूकार्प, यू का मतलब होता है ट्रू, इट इज ए ट्रू फ्रूट. यूकार्प इज ए ट्रू फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी पार्ट ऑफ फ्लावर. उसके बाद आ जाता है स्यूडोकार्प. स्यूडोकार्प इज फॉल्स फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम any other part of flower except ovary. Example मैंने आपको बता दिया apple. Apple is a false fruit. It is pseudocarp. ठीक है जी, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट. होते बेटा और भी कई टाइप के हैं, बट अगेन मैं आपको बात कह रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिए और पीएमटी में ज्यादा नहीं आते, इसलिए बाकी टाइप के मैं नहीं बताऊंगी. वन मोर थिंग आ जाइए कि सीरियल्स,
such as, you know, wheat, rice, maize, etc., are dry fruits. They have grains. So now, what is grain? ये अब नया आ गया. अभी तक हम सीड पढ़ रहे थे, अभी तक हम फ्रूट पढ़ रहे थे, बट ये ग्रेन क्या चीज है? तो ग्रेन इज ए सिंगल सीडेड फ्रूट. राइट डाउन, ग्रेन इज ए सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच द सीड कोट्स, इन विच the seed coats are fused with pericarp, in which the seed coat is fused with pericarp. Seed coat or fruit wall, dono fused hai. Also called as scutellum. Grain is also called as scutellum. ठीक है जी, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, है ना? इतना ही, क्योंकि इतना ही required है for your plus one as well as for your neat also. ठीक है, कुछ dry fruits की examples में और बता देती हूँ. ठीक है, another is, second example है legumes. जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स, दीज हैव फ्रूट्स कॉल्ड एज पॉड्स. आपको पता ही है मटर के हम पॉड्स कह देते हैं. दीज हैव फ्रूट्स कॉल्ड एज पॉड्स. Another type of, एक हमने कह दिया grain, दूसरा हमने कह दिया pods, third आ जाएंगे हम nuts. ये सब dry fruits की types है. ऊपर लिख लेना types of dry fruits. So example है nut. अब इसमें बादाम नहीं आता क्योंकि बादाम में पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड है. तो इट इज ए सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट. इट इज ए सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट इन विच पेरिकार्प इज हार्ड. दोबारा से मैं बता रही हूं कि जो बादाम है, आलमंड है, उसमें एंडोकार्प हार्ड है, एपिकार्प मीजोकार्प है, बट यहां पे एपी मीजो एंडो नहीं है, यहां पे पेरिकार्प इज हार्ड और वुडी. फॉर एग्जाम्पल कैश्यू नट, फॉर एग्जाम्पल जो काजू है, कैश्यू नट अनदर एग्जाम्पल इसकी आ जाती है बेटा. एक तो है कैश्यू नट, एक और एग्जाम्पल है दैट इज लीची. अब जो लीची है आप कहेंगे ये तो फ्लैशी है, छिलका है, अंदर पल्प है, फिर गुठली है, ये क्या है, ये ड्राई फ्रूट कहां से है? इसका जो बेटा, इट हैज लेदरी पेरिकार्प. जो उसका छिलका है, पेरिकार्प जो है वो लेदरी है, उसका छिलका ही फ्रूट है. तो फिर वो क्या है जो बीच में पल्पी है, जो हम खाते हैं? सो एडिबल पार्ट इज एक्सटेंडेड फ्यूमिकुलस.
called as aryl. ये बेटा एक ओव्यूल है, ओव्यूल का ये फ्यूनिकुलस है और ये फ्यूनिकुलस एक्सटेंड होकर फ्लेशी बना लेता है. दिस इज फ्लेशी. और जो बाहर ओवरी वॉल है उसने क्या बना दिया, उसने लीची का छिलका बना दिया. दिस इज एरिल. इन लीची द एडिबल पार्ट इज एरिल. सो वी हैव डन ग्रेन, वी हैव डन पॉड्स. Another is we have done, that is nuts. Another is capsule. Capsule. Example है lady finger. Okra. Lady finger को एक दूसरा English name है, that is okra. ठीक है जी. अगेन है तो बहुत सारे, बट हम इतनी ही टाइप्स करेंगे. ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे. इज इट ओके? सो दीज आर द टाइप ऑफ द फ्रूट्स. ओके, सो मेन टू कैटेगरी है फ्रूट्स की, दैट इज हम कौन से कह देते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स. ये मैंने टाइप्स आपको बता दी. एक हम और बात करेंगे. सिंपल फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट एंड कॉम्पोजिट फ्रूट. सिंपल फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट and composite fruit. अब बेटा आपने देखा होगा raspberries होती है. raspberry पता है, raspberry तो आपने खाई होगी. blackberries इंडिया में नहीं ज्यादा मिलती है, है ना, बट रसबेरी, ब्लैकबेरी. रसबेरी आपने देखा है कि एक वो रेड रेड सी छोटी छोटी होती है, एक गुच्छा सा ही होता है. ग्रेप्स नहीं, ग्रेप्स में जो गुच्छा तो है बट हर ग्रेप अलग अलग है. रसबेरी में आप देखोगे जो रसबेरी है येलो येलो सी या थोड़ी रेडिश येलो सी होती है, वो बिल्कुल इकट्ठी इकट्ठी होती है. वो एक पिस्टिल से बनी है जिसके साथ, या एक फ्लावर से बनी है जिसमें बहुत सारी ओवरीज थी. समझ रहे हो? सिंपल फ्रूट. लेट अस से हम यहाँ पे आप बात कर लो ग्रेप्स की. ग्रेप्स का भी गुच्छा है बट वो बहुत सारे फ्लावर्स का बना है. ठीक है, तो सिंपल फ्रूट लिखो. इट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी ओवरी. मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी सिम कार्पस होगी.
जो फ्यूज्ड है, बहुत सारी ओवरीज है बट वो फ्यूज्ड है. इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स. ये जितने हमने किए ये सिंपल फ्रूट्स की एग्जांपल्स किए. उसके बाद है एग्रीगेट फ्रूट्स. इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी. इट डेवलप्स फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस. एपोकार्पस मतलब फ्री ओवरीज है, फ्यूज्ड नहीं है. एपोकार्पस ओवरी. एग्जाम्पल है रसबरी, RASP रसबरी. दूसरी एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी. और कॉम्पोजिट फ्रूट्स है विच डेवलप्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस. एग्जाम्पल है मलबरी विच डेवलप्स फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस. एग्जाम्पल है मलबरी. अनदर इज फिग, जो आप कहते हो अंजीर जिसको बोल देते हो, है ना. ड्राई फ्रूट्स में आ जाती है अंजीर. ड्राई फ्रूट में जो हम कॉमन लैंग्वेज में ड्राई फ्रूट की हम बात करते हैं, फिग और अंजीर. फिग FIG और अंजीर इज ANJEER, ब्रैकेट में लिख लेना अंजीर. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट. अब हमारा इसमें रह गया सीड्स रह गया है और फैमिलीज रह गई है. नेक्स्ट टाइम हम खत्म कर देंगे, बट ये एक बार पढ़ के आओ ताकि आपको याद हो. इज इट ओके? ठीक है जी. तो नेक्स्ट टाइम हम इसमें से क्वेश्चंस पहले पूछेंगे और फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय.